बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की खास खबर। जॉन अब्राहम से पंगा लेना सलमान खान को पड़ा महंगा। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान उनके तेवर के लिए जाने जाते हैं। उनके गुस्से स्वभाव को कौन नहीं जानता। बॉलीवुड में उनसे जो पंगा लेना मतलब फिल्म इंडस्ट्री में खुदकुशी करना जैसा है। एक मिनट नहीं लगता सलमान को उसके करियर में फुल स्टॉप लगाने में। बॉलीवुड में सलमान का बोलबाला है। सलमान खान और कैटरीना कैफ लव लाइफ जितनी चर्चा में रही है उतनी ही सलमान की दूसरे कलाकारों से लड़ाई भी चर्चा में रहती है। सलमान बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स को थप्पड़ मार चुके हैं मगर उन्हें जॉन अब्राहम से पंगा महंगा पड़ गया था। सलमान ने कैटरीना का हाथ फिल्म बूम के फ्लॉप होने पर थामा था। उस वक्त सलमान कैटरीना को अपने गुस्से से थप्पड़ भी जड़ चुके हैं। सलमान और शाहरुख खान की दोस्ती के बीच दीवार खड़ी हो करने की वजह कैटरीना कैफ ही बताई जा रही है। सलमान और शाहरुख एक बार पार्टी में नशे में थे तब शाहरुख ने कैटरीना को लेकर असभ्य टिप्पणी कर दी थी जिसे सलमान सहन नहीं कर पाए और उन्होंने शाहरुख खान पर हाथ भी उठा दिया था। कैटरीना की वजह से सलमान बॉलीवुड के कई सितारों से पंगा ले चुके हैं लेकिन सलमान ने सबसे बड़ी गलती जॉन अब्राहम से पंगा लेकर की। छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट में एक गंभीर रूप से घायल दो गांव के बीच तनाव। एक पक्ष ने किया थाने का घेराव। नवाड़ा जिले के हिसवा में स्कूली छात्र के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद ने देखते ही देखते उग्र रूप धारण कर लिया और दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। वही दोनों गुटों के बच्चों को अलग गाँव के होने के कारण गांव के बीच भी तनाव पैदा हो गया। वहीं एक पक्ष के लोग थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। बाद में किसी तरह पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया। फिलहाल दोनों गांव के बीच तनाव व्याप्त है। पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है। घटना के संबंध में बताया गया है कि जिले के हिसवा थाना क्षेत्र स्थित इंटर हाई स्कूल में नवी का नामांकन फॉर्म लेने के समय बलियारी और तरोनी गांव के बच्चे आपस में उलझ गए और दोनों के बीच जमकर मारपीट हो। वहीं कुछ देर बाद तरोनी गांव के कुछ लोगों ने बलियारी गांव के एक बच्चे राजू कुमार को हिसवा बाजार में बुरी तरह से पीटकर अधमरा कर दिया। चुनाव के समय पोलिंग ऑफिसर को आया हार्ट अटैक तो सीआरपीएफ जवान ने बचाई जान। 18 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए वोटिंग हुई और इस चरण के तहत जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भारी सुरक्षा के बीच यहां पर मतदान हुआ। चुनाव की इस खबर के बीच ही एक सीआरपीएफ जवान की खबर भी लोगों का दिल जीत रही है। इस सीआरपीएफ जवान ने कश्मीर के एक पोल ऑफिसर की जान उस समय बचाई जब पोलिंग के दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया था। इलेक्शन ऑफिसर अहसान उल हक श्रीनगर के कुचपोरा में तैनात थे जो कि बूथ नंबर 13 है। उन्हें सुबह 9 बजे हार्ट अटैक आया। इसी बूथ पर तैनात सीआरपीएफ जवान सुरेंद्र कुमार ने तुरंत ही अपनी यूनिट में तैनात डॉक्टर समीन की मदद मांगी। समीन ने फोन पर सुरेंद्र कुमार को निर्देश दिए। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।